आइए वेलकम करते हैं विनेश राजा। दुर्खने दुर्खने कैसी हो? इधर आ जाओ। सलाम अलैकुम। ये देखे जरा, कभी ये पश्तो लड़की बन जाती है, कभी हम इसको कुछ बना डालते हैं। तुम्हारी क्या ख्वाहिश है इस साल? हैप्पी न्यू ईयर सबसे पहले तो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मेरी ख्वाहिश अभी सोची नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि लड़कियां और सोचे ना अपनी ख्वाहिश। मैंने सुना है कि अगर आप अपने ख्वाब किसी को बता दो तो पूरे नहीं होते। आई जस्ट वेट। मैं तो इसलिए भी पूछ रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं ना, और जब आपके चाहने वाले आपको देख रहे होते हैं, किसी ना किसी की दुआ लग जाती है। और मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप जो कहते हैं ना अपने मुंह से निकालते हैं, वो होता जरूर है। जब भी कहते हैं अच्छी बात निकालो, प्लान है, कहते रहो, इवेंचुअली वो ही होगा। अगर हम कोई, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको बताना पड़ेगा। अच्छी तरह याद है, अम्मी कहती थी कि अगर तुम अपनी शक्ल ऐसी रखोगी, रोती शक्ल, तो रोती शक्ल हो जाएगी। कोई शक्ल अच्छी नहीं है तो मुंह से अच्छी बातें तो निकालो। ये वाले ताने हमने बचपन से सुने हैं। और बुरी बात नहीं निकालनी चाहिए मुंह से, बकवास नहीं निकालनी चाहिए। कोई भी बात, अच्छी बात निकालो मुंह से, दुआ कबूल हो सकती है। चलो मौका है तुम्हारे पास लड़की। मैंने तो बस से पानी फेंका था। अच्छा अब तुम बता क्या कहोगे अम्मी? सक्सेस, और मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली को बहुत आगे देखना चाहती हूँ, बहुत प्राउड देखना चाहती हूँ। तो लाइक तुम चाहती हो कि तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स इस साल मिले, तुम सबकी जुबान पे हो, सबकी आंखों में हो, है ना? और लोग तुम्हें जब भी तुम बाजार निकलो तो कितना अच्छा तुमने वो कैरेक्टर किया, कितना अच्छा काम किया। दुर्खने के बाद तो कहा होगा तुमने फंसा दिया अच्छी खासी लड़की, है ना? दुर्खने ऐसा करेक्टर था कि बाकी प्रोजेक्ट्स भी किए लेकिन अभी तक दुर्खने। हाँ, कि तुम बड़ी बैकबोन थी भाई उस कहानी की ना, तुम्हारी वजह से गड़बड़ हुई थी बेचारी हीरोइन के ऊपर।